नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पूजा वर्मा। सीएम सिटी बन रहा है नॉलेज सिटी। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के नाम से बन रहा है एकीकृत विश्वविद्यालय। बीए से लेकर वेदांत की पढ़ाई के साथ और भी बहुत कुछ। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, चिकित्सा और शोध को बढ़ावा, संस्थान का है मकसद। गोरखपुर न्यूज के लिए गिरीश पांडे की विशेष स्टोरी। वर्ष 1932 में पिछड़े पूर्वांचल में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए तब के गोरक्षपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ ने एक सपना देखा था। उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की थी। तब से अब तक पीठ की तीन पीढ़ियों के प्रयास से परिषद उत्तर भारत का सबसे बड़ा और वैविध्यपूर्ण संस्थान बन चुका है। अब मौजूदा मुख्यमंत्री और परिषद के प्रबंधक योगी आदित्यनाथ के प्रयास से गोरखपुर नॉलेज सिटी बनने की ओर अग्रसर है। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के नाम से यहां सोनबरसा रोड स्थित बालापार में एकीकृत विश्वविद्यालय इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी तेजी से स्वरूप ले रहा है। एक ऐसी संस्था जिसमें बीए से लेकर वेदांत तक की पढ़ाई होगी। गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसका खास आकर्षण होगा। इसमें चिकित्सा की हर विधा, एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद और यूनानी की पढ़ाई के साथ जांच, परामर्श और इलाज की अद्यतन सुविधा होगी, वह भी अपेक्षाकृत सस्ते में। डेंटल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी और नर्सिंग के सर्टिफिकेट से लेकर डिप्लोमा, डिग्री और पीजी तक के कोर्स उपलब्ध होंगे। यही नहीं, पूर्वांचल में खेती की महत्ता को देखते हुए एग्रीकल्चर की भी पढ़ाई होगी। इसमें फोकस इस बात पर होगा कि कैसे कृषि विविधीकरण के जरिए किसानों की लागत को कम करते हुए उनकी आय को दुगना किया जा सके। इस एकीकृत विश्वविद्यालय में करीब 3 दर्जन पाठ्यक्रमों, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट नर्सिंग, बीएएमएस, एमबीबीएस, बी एवं डी फार्मा आयुर्वेद और एलोपैथ, पैरामेडिकल कोर्सेज के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज, बीएससी योगिक साइंस, आईटी के अलावा बीए आर्ट्स, सोशल साइंस, बीएससी मैथ, बायो कंप्यूटर, आईटीईपी, बीएड, बीपीएड और शास्त्री आदि की पढ़ाई चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी। पहले चरण में आयुर्वेद, योग एवं नर्सिंग, दूसरे में फार्मेसी, पैरामेडिकल, विशिष्ट अध्ययन एवं शोध, तीसरे चरण में एलोपैथिक जांच, परामर्श, इलाज, शोध के केंद्र की शुरुआत के साथ इस विषयों के यूजी अंडर ग्रेजुएट, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट और विशिष्ट पाठ्यक्रमों की शुरुआत होगी। चौथे चरण में उच्च और तकनीकी शिक्षा के विशिष्ट पाठ्यक्रमों शुरू होंगे। पांचवें और अंतिम चरण में सुदूर अंचलों में आरोग्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी ताकि वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य की अद्यतन सुविधा मुहैया कराई जा सके। एमपी शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह के मुताबिक पूर्वांचल के लोगों को बेहतर शिक्षा और चिकित्सा देना गोरक्षपीठ की प्राथमिकता रही है। परिषद के स्थापना के साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्थापना में भी पीठ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गोरखनाथ मंदिर परिसर में करीब 35 साल से महंत दिग्विजयनाथ आयुर्वेदिक औषधालय चल रहा है। गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय पिछले कई वर्षों से पूर्वांचल के लोगों को अद्यतन इलाज की सुविधा दे रहा है। महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे भी यही मकसद है। पूर्वांचल के साथ नेपाल की तराई और उत्तर बिहार के 6 करोड़ से अधिक लोगों को शिक्षा और चिकित्सा के लिए गोरखपुर पर निर्भर है। इनको सबको इसका लाभ मिलेगा।